दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टीम इंडिया के उस खास रिकॉर्ड की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए भारत ने दर्ज किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई वह कई मायने में हमेशा के लिए यादगार बन चुका है। इस मैच में कई ऐसे रिकॉर्ड बनते नजर आए जिसकी उम्मीद शायद क्रिकेट फैंस ने तो की ही नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर भारत ने आज तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इस बार भले ही टीम इंडिया ने सीरीज में बराबरी कर ली है, लेकिन एक बेहद ही खराब रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। दूसरे टेस्ट पर अगर एक नजर डाले तो दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी कर रहे एडन मार्करम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जहां भारतीय गेंदबाजों ने इस कदर कहर मचाया कि टीम 55 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। क्रिकेट इतिहास में यह दूसरी बार हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम टेस्ट मैच में इस तरह से कम स्कोर पर सिमट गई हो, और इसका श्रेय मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को जाता है, जहां इस मुकाबले में सिराज ने 6 विकेट और जसप्रीत बुमराह के 2-2 विकेट के बदौलत भारतीय टीम के आगे दक्षिण अफ्रीका नतमस्तक हो गई। पर जब भारतीय टीम अफ्रीका के 55 के स्कोर के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम इंडिया ने टी ब्रेक तक 114 रन पर 4 विकेट खो दिए थे। उसके बाद जो हुआ वह शायद कोई भी क्रिकेट फैंस कभी उम्मीद नहीं कर सकता है। दरअसल टी ब्रेक के बाद जब विराट कोहली और केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे तो यह दोनों ही खिलाड़ी मात्र 39 रन बना पाए, और उस वक्त भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 153 था, और पलक झपकते ही भारत का एक स्कोर भी आगे नहीं बढ़ा और धड़ाधड़ विकेट गिर गए। जिस 153 के स्कोर पर टीम इंडिया का 4 विकेट था, उसी 153 के स्कोर पर भारत ऑल आउट हो गया। विराट कोहली के 46 और केएल राहुल के 8 रन पर आउट होने के बाद जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, यह सभी खिलाड़ी बिना कोई स्कोर बनाए शून्य पर अपना विकेट गवा बैठे। क्रिकेट में इस तरह का मंजर शायद लोगों ने पहली बार देखा होगा। अगर इस टेस्ट मैच के नतीजे पर चर्चा करें तो पहला टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका ने 32 रनों से जीता था, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच 7 विकेट से जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने इस सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कर लिया है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।